टू की पावर में एक्स प्लस फोर माइनस टू की पावर में एक्स प्लस टू इक्वल टू थ्री है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टू की पावर में एक्स प्लस टू और प्लस में टू और माइनस का टू की पावर में एक्स प्लस टू इक्वल टू में थ्री। अब दोबारा से क्या करेंगे, टू की पावर में एक्स प्लस टू और इसको भी अलग से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई टू की पावर टू करके, दोबारा से इसको ऐड करेंगे फिर से यही वैल्यू आ जाएगी माइनस का टू की पावर में एक्स प्लस टू इक्वल टू में थ्री। इन दोनों में टू की पावर एक्स प्लस टू कॉमन है, तो टू की पावर एक्स प्लस टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर टू की पावर टू बचेगा और माइनस के यहाँ पर वन बचेगा, इक्वल टू में थ्री हो गया। तो टू की पावर में एक्स प्लस टू और यहाँ पर थ्री हो जाएगा, टू की पावर टू का मतलब फोर, फोर माइनस वन थ्री और इक्वल टू में थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल कर दी, इधर वन बच गया और वन बच गया यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कि टू की पावर एक्स प्लस टू इक्वल टू, यहाँ पर वन है यहाँ पर टू है, तो इसको यदि टू बनाना है, यहाँ पर टू बनाना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू की पावर में जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो करेंगे उसकी वैल्यू वन होती है। इससे क्या हो गया कि दोनों तरफ का बेस इक्वल हो गया, तो पावर भी आपस में इक्वल होंगे, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू, टू का ट्रांसफर इधर करेंगे माइनस टू, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस टू, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।